नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज प्रयास रसोई में सैंडविच रेसिपीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और रेसिपी बनाएंगे जो कि है डबल चीज पोटैटो सैंडविच। एक ऐसा सैंडविच जिसको बच्चे बड़े सारे ही पसंद करते हैं, आसानी से बन भी जाता है और स्वाद भी होता है। तो दोस्तों स्पाइसी आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले पैन में लेंगे लगभग एक चम्मच के करीब तेल। इसको गर्म होने देंगे। तो तेल के गर्म होते ही हम इसमें मिलाएंगे आधा टीस्पून जीरा और इसको अच्छे से चटका लेंगे। जीरे के चटकते ही हम इसमें मिलाएंगे दो मीडियम साइज अनियन जिनको बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मिलाएंगे एक इंच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक, एक हरी मिर्च और अभी हम इसे प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक यानी कि प्याज का कच्चापन खत्म होने तक पका लेंगे। अनियन के ट्रांसलूसेंट होते ही हम इसमें मिलाएंगे हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर, नमक आपके स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गर्म मसाला और अभी हम इसको एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। मसालों के अच्छे से भुनते ही हम इसमें मिलाएंगे पांच मीडियम साइज आलू जिनको हमने बॉयल करके रफली चॉप किया है। अभी पहले मसाले को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें आलू को अच्छे से फिर मैश कर लेना है। फ्लेम को लो रखिए और हल्के हाथ से इसे मैश कर लीजिए। अभी जब आलू अच्छे से मैश हो गए हैं तो हम इसमें मिलाएंगे आधा कप हरे मटर जिनको हमने पहले से ही बॉयल कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगा आधा कप के करीब कटा हुआ हरा धनिया और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। और अभी हमें इन सबको अच्छे से मिला देना है और लगभग दो मिनट तक पका लेना है। फ्लेम अपनी लो ही रखें। तो दो मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले इकट्ठे होकर कितने अच्छे से निकल के आए हैं और एक बढ़िया फिलिंग बनके तैयार हो गई है। और अभी हमें करना ये है कि फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हमें असेंबल करना है अपना सैंडविच। तो उसके एक तरफ स्लाइस पे हम लगाएंगे कोरिएंडर मिंट चटनी। अभी इस चटनी का वीडियो हमारे पेज पे भी है, इसका लिंक आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दूसरे स्लाइस पे हम लगा लेंगे केचप। तो अभी एक स्लाइस पे रख देंगे एक चीज स्लाइस और अभी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपनी फिलिंग। डाइट के हिसाब से वैसे तो एक चीज स्लाइस सफिशिएंट है, लेकिन जो लोग चीज ज्यादा पसंद करते हैं वो ऊपर से कोई भी अपनी पसंद का ग्रेटेड चीज डाल सकते हैं। और अभी चटनी वाले स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और अभी हमें इसे अच्छे से ग्रिल करना है। तो ग्रिल करने के लिए हमने अपना ग्रिल पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी इसके बीचों बीच थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। और इसके ऊपर अभी जाएगा हमारा सैंडविच। अभी दूसरी साइड पे भी हल्का बटर लगा लेंगे और इसे टर्न कर देंगे।
तो चलिए अब दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा ग्रिल सैंडविच दोनों तरफ से पक के तैयार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चीज की, ग्रीन चटनी की, केचप की अलग अलग लेयर्स बनके आ गई हैं और सैंडविच अच्छा क्रिस्प बनके तैयार हो गया है। तो लीजिए दोस्तों, डबल चीज पोटैटो सैंडविच बनके तैयार है। खुद भी बनाइए, औरों को भी खिलाइए और खुश रहिए।